नाजरीन लेबनान और गजा का मुहाजे जंग इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बन गया इसराइली फौज ने गजा और लेबनान में झड़पों में मज़ीद छह इसराइली फौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया इसराइली फौज की जानब से जारी किए गए बयान के मुताबिक हफ्ते की शब लेबनान में हिजबुल्ला के साथ झड़पों में पांच इसराइली फौजी हलाक और चौदह जख्मी हुए इसराइली फौज के मुताबिक मरने वाले फौजियों में एक मेजर दो रिजर्व कैप्टन एक रिजर्व मास्टर सार्जेंट और एक रिजर्व सार्जेंट मेजर शामिल हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक लेबनान में जारी जमीनी कार्रवाई में अब तक चौंतीस इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं फौज ने शुमाली गजा में लड़ाई के दौरान भी एक इसराइली फौजी की हलाकत का एतराफ किया इसराइली फौजी के बयान के मुताबिक 22 साल स्टाफ सर्जन 18 अक्टूबर को शुमाली गजा में झड़पों में जख्मी हुआ जो जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया दूसरी जानब हिजबुल्ला की जानब से इसराइली शहरों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला ने शुमाली इसराइल में मिजाइल दागे जबकि हिजबुल्ला ने अक्का शहर में अस्करी साजो सामान बनाने वाली इसराइली कंपनी को निशाना बनाया इसराइली मीडिया के मुताबिक क्रमाल में लेबनान से होने वाले ड्रोन हमले में दो इसराइली ज़ख्मी हुए जबकि हिजबुल्ला का दावा यह है कि हमलों में कई इसराइली हलाक और जख्मी हो चुके हिजबुल्ला ने शुमाली मकबूजा फलस्तीन में सेहूनी हुकूमत के ठिकानों और सेहूनी बस्तियों को निशाना बनाने और इस हुकूमत के मुतद फौजियों की हलाक और जख्मी करने की खबर दी है मीडिया जराये के मुताबिक हिजबुल्ला ने अपने ताज़ा हमले में अलजलील के इलाके में पिछहत्तर रॉकेटों से निशाना बनाया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कई इमारतों और कारों को आग लग गई और नुकसान पहुँचा सेहूनी मीडिया ने ये इतला दी कि अलजलील के इलाके अल कमरा में कई सेहोनी जख्मी हुए हिजबुल्ला के मुताबिक उसने शुमाली हिफा में जोफोलोन के फ़ौजी सनती अड्डे को कई मिसाइलों से निशाना बनाया तीन दीगर कार्रवाई में लेबनान के इस्लामी मजाहमत के अलमर्ज अलमालकिया और क्रमाइल के बस्तियों में सेहूनी हुकूमत के फौजी अड्डों को मुतद मिसाइलों से निशाना बनाया और इसमें सेहोनीयों का जानी नुकसान भी हुआ कार्रवाई के तसलसल में लेबनानी मजाहमत ने अलमनारा कस्बे में सेहूनी हुकूमत के प्यादा फौज को भी ड्रोन से निशाना बनाया उधर इसराइल के दारुल अल अलवीब में मोसाद के क्वार्टर के करीब ट्रक की टक्कर से पांच इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए दूसरी जानब फलस्त की मज़ाती तंजीम हमास के शहीद सरबरा याहिया सनवार की वसीयत और हमास के लिए हिदायत नामा सामने आ गया हमास के शहीद रहन के आखिरी तहरीरी अहकाम ज़ाहिर करते हुए इनमें इसराइली यगमालियों के बारे में वाज हदायत शामिल हैं फ़लस्तनी अखबार अलुद्स ने तीन सफ़ात पर मुश्तमल ये दस्तावेज़ा शाया किए ना। हैं जिनको याहिया शनोार की वसीयतें और हिदायतनामे करार दिया जा रहा है सोलह अक्टूबर को इसराइल के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले याहिया सिनवार ने अपनी हिदायात में इसराइली अरगमालियों के मुहाफों को कहा कि दुश्मन के कैदियों की जान का ख्याल रखें और इन्हें महफूज बनाएं क्योंकि ये हमारे पास सौदेबाजी का वाद जरिया है याहिया सिनवार ने लिखा कि दुश्मन के कैदियों की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है ताकि फलसतनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके उनकी तहरीर में इस फर्ज को पूरा करने वाले अफराद को इनाम देने का भी जिक्र किया गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या गया शनोार की शहादत के वक्त गजा में एक सौ एक इसराइली यगमाली मौजूद थे जिनमें से साठ के जिंदा होने की इतला थी तहरीर के दूसरे सफ़े पर यगमालियों की तादाद और मकाम का तस्करा है जिसमें गजा शहर में चौदह गजा के वस्त में पच्चीस और रफा में इक्यावन जिक्र है जबकि चौथे ग्रुप के बाईस अफराद का कोई मुकाम नहीं बताया गया आखिरी सफे में इन ग्यारह खातन यमालियों के नाम शामिल हैं जिन्हें जंगबंदी के दौरान रिहा किया गया था और जिनके पास गैर मुल्की शहरीत भी थी अब तक इसराइल की तरफ से इन दस्तावेजा पर कोई बाबा रदल नहीं आया है उधर मिस्री सदर अब्दुल फतेह अलसी ने गज़ा में कैद चार इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले गज़ा में सिर्फ दो रोज़ की जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश कर दी गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक मिस्री सदर की जानब से पेश की जाने वाली तजवीज़ में कहा गया है कि चार इसराइलियों के बदले इसराइली जेलों में कैद कुछ फलस्तनी रिहा किए जाएंगे और गजा में दो दिन की जंग होगी मिसरी सदर ने कहा है कि तजवीज़ में ये नुकतः भी शामिल है कि इस आजी जंग के दस रोज के अंदर मुस्तकिल जंग के लिए मुखरत का आगाज़ होगा अब तक हमास और इसराइल की जानब से इस तजवीज़ पर कोई रदल सामने नहीं आया तहम मुत के हवाले से बाबर फ़लस्तनी एहलकार का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि हमास इस नई तजवीज़ पर गौर करेगी लेकिन हमास इस बात पर कायम है कि किसी भी माहदे के नतीजे में जंग खत्म होनी चाहिए और इसराइली अफवाज का गजा से इनखला होना चाहिए दूसरी जानब इसराइल का मौक़ ये रहा है कि जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक गजा से हमास का खात्मा ना कर दिया जाए